बैंक के साथ मैं आपके सामने हूँ। ये लेक्चर 11 है। इससे पहले 10 लेक्चर्स के अंदर या तक कहें 10 जो हमारी पीपीटीज हुई उसमें हमने करीबन 200 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। इस वीडियो में अपन 20 क्वेश्चन और कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं सर। विच एंट्री ऑफ यूनियन लिस्ट गिव्स द पावर टू पार्लियामेंट टू लेवाई टैक्स ऑन इनकम। ये कहता है यूनियन लिस्ट की कौन सी एंट्री संसद को इनकम टैक्स लगाने की शक्ति देती है। देखिए आप ये जानते हैं कि चलो ऑप्शन देख लेते हैं। ओके देखिए आप ये जानते हैं कि इनकम टैक्स तभी लग पाता है जब इसका कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है, संविधान में व्यवस्था है, तो ही टैक्स लग पा रहा है, वरना नहीं लग पाता। इसमें आप पक्के रहिएगा, ठीक है। तो अब क्या होता है, संविधान के अंदर होते हैं अनुच्छेद, आर्टिकल्स, ठीक है, आर्टिकल्स के अंदर होते हैं शेड्यूल, ठीक है। तो वहाँ पे जो आपका 7th शेड्यूल है, ठीक है सर, वहाँ पे लिस्ट गिवन है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो जो यूनियन लिस्ट है उसमें वो मैटर लिखे हुए हैं जिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स लगाने का पावर है, यानी यूनियन लिस्ट कवर्स दो सब्जेक्ट्स इन विच सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पावर्स टू मेक रूल्स, ठीक है। वहाँ पे जो एंट्री नंबर 82 है, एंट्री नंबर 82, तो ये है सर आपका आंसर। तो पूरा एड्रेस क्या है, यानी अगर आप कहें कि कोई कल को चैलेंज कर दे, कोर्ट में चला जाए कि इनकम टैक्स कैसे लगा दिया, ऐसे कैसे आप इनकम टैक्स लगा सकते हो, तो गंगोत्री कहाँ है, दैट इज़ ओरिजिन कहाँ है, तो सर ओरिजिन है 7th शेड्यूल में, जो आपका अनुच्छेद 246 है, आर्टिकल 246 है, उसका जो 7th शेड्यूल है उसमें ये आंसर नहीं है, ये वाला आंसर है सी। उसके अंदर जो लिस्ट फर्स्ट है, लिस्ट फर्स्ट जो होती है वो यूनियन लिस्ट होती है, उसकी एंट्री नंबर 82 आपको एम्पावर करती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एग्रीकल्चर इनकम को छोड़कर किसी भी इनकम पर टैक्स लगा सकती है। चलिए सर, ठीक है, एंट्री 82 ऑफ द यूनियन लिस्ट ऑफ शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर सेंट्रल गवर्नमेंट टू लेवाई टैक्स ऑन ऑल इनकम अदर देन द एग्रीकल्चर इनकम। अच्छे से आप इसको याद कीजिएगा, ये स्टैटिक जीके है एक तरह का, आपको ये एक रूल कभी चेंज नहीं होगा, हर साल रूल चेंज होंगे, लेकिन ये जो अब एंट्री है तो है। चलिए सर अगला क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 27 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट असेसी मीन्स अ पर्सन। तो पहले तो आप ये समझिए, असेसी AS, तो इसका जो सेक्शन है वो है धारा 27, उसमें असेसी किसको माना गया है, यानी निर्धारिती किसको माना गया है। तो ए ऑप्शन कहता है बाय होम एनी टैक्स और अदर सम ऑफ मनी इज पेबल, वो व्यक्ति जिसको कुछ टैक्स देना है, हाँ। बाय होम एनी प्रोसीडिंग अंडर द एक्ट हैज बीन टेकन, हाँ। हु इज डीम्ड टू बी इन असेसिंग इन डिफॉल्ट अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, हाँ। सर जिसके ऊपर कोई टैक्स बाकी है, जिसके खिलाफ कोई कार्यवाही चालू है या हो रही है, चालू हो चुकी है, और एक वो बंदा जो बाय डिफ़ॉल्ट जो कोई गलती करता है, TDS काटने में भूल करता है या TDS जमा कराने में भूल करता है, तो उसे भी हम असेसी मान लेते हैं। तो असेसी के अंदर ये तीनों वर्ड्स कवर है सर, तो ऑल ऑफ द अबव्स का आंसर हो जाएगा डी, ठीक है सर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ हिज, किसी व्यक्ति की कुल आय उसके डैश डैश के आधार पर निर्धारित की जाती है। ऑप्शन आर टोटल इनकम डिसाइड होती है रेजिडेंशियल स्टेटस से, उसकी सिटीजनशिप से, या दोनों से, या इनमें से किसी से भी नहीं, तो सर इसका आंसर है ए। सर रेजिडेंशियल स्टेटस हर साल चेंज हो सकता है, मान लीजिए कोई एक्टर है आज वो इंडिया में है, अगले साल हो सकता है वो पूरा साल विदेश में शूटिंग करे, कोई इंडियन प्लेयर है आज इंडिया में खेल रहा है, अगले साल हो सकता है पूरे सीजन में वो बाहर रहे, तो रेजिडेंशियल स्टेटस चेंज होता रहता है। उसी तरह से फिर टैक्सेबिलिटी भी चेंज होती है, हमें पता है रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होता है, एक होता है रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और एक होता है नॉन रेजिडेंट। तो सभी इनकम सबके लिए टैक्सेबल नहीं होती है, इसलिए टैक्सेबिलिटी की जो डिसाइड होती है वो रेजिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पे होती है। तो कभी भी किसी की टैक्स लायबिलिटी निकालने से पहले उसका स्टेटस चेक किया जाता है, ठीक है सर। चलिए अगला क्वेश्चन है। अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 प्रॉफिट फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस इज टैक्सेबल अंडर द हेड। देखिए सट्टा बिजनेस के जो प्रॉफिट होते हैं, स्पेकुलेशन जो प्रॉफिट्स होते हैं,
वो कहाँ जाते हैं। ऑप्शंस हो सकते हैं कंफ्यूजिंग, अदर सोर्स में जाएंगे या पीजीबीपी। सर इसका आंसर रहेगा सर पीजीबीपी। ठीक है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शंस में चार ऑप्शंस आए थे, पीजीबीपी, अदर सोर्स, सी में कहा है अदर सोर्स या पीजीबीपी। तो सर इसका आंसर ए रहेगा, गैम्बलिंग। गैम्बलिंग यानी जुआ, जुए से जो प्रॉफिट होता है वो आपका अदर सोर्स में जाता है क्योंकि उसमें किस्मत होती है। स्पेकुलेशन पूरा किस्मत के सहारे नहीं होता, उसमें आप भाव का अंदाज़ा लगाते हो। जैसे अभी अपन खड़े हैं मान लीजिए अप्रैल में, और अपन मान लीजिए कि अंदाज़ा लगाते हैं कि आज से चार महीने बाद अक्टूबर में गोल्ड रेट्स क्या होंगे। हम खुद गोल्ड का परचेज सेल करते हैं और हम गोल्ड के रेट का अंदाज़ा लगाते हैं, उस बेसिस पे फ्यूचर में गोल्ड खरीद लेते हैं या बेच देते हैं। और फिर जब रेट का डिफरेंस होता है, रेट का डिफरेंस होता है, तो उतना हम कमा लेते हैं या गंवा देते हैं। तो सर ये स्पेकुलेशन प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, उसे आपको पीजीबीपी हेड में दिखाना है। कौन सी इनकम कहाँ जाएगी ये पहले से डिसाइडेड है, तो ये पीजीबीपी में जाएगा। चलिए सर आगे है, डिविडेंड रिसीव्ड बाय शेयर होल्डर फ्रॉम ए डोमेस्टिक कंपनी इज वेल। अगर मान लीजिए मिस्टर ए हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। मान लीजिए मिस्टर ए हैं, उन्हें डिविडेंड मिला है, डिविडेंड मिला है किसी डोमेस्टिक कंपनी से, तो उसका क्या होगा। सर लेटेस्ट रूल ये है कि 10 लाख तक एग्जेम्प्ट होगा और 10 लाख के बियॉन्ड टैक्सेबल होगा। तो अगर मान लीजिए आपको 12 लाख रुपए मिला है, तो 12 लाख में से आपका 10 लाख तक एग्जेम्प्ट होगा और बाकी जो है उस पर 10% टैक्स लगेगा। तो ये रूल है। पहले एक ज़माने में ये रूल भी होता था ए फुल्ली एग्जेम्प्ट, लेकिन अभी ये रूल है। तो आप हमेशा जब भी एग्ज़ाम में जाएं तो नए रूल देख के जाएं। एटलीस्ट मैं आपको सलाह दूंगा कि तो एक तो आपका जो बिल्कुल रीसेंट ईयर है वो देखिए, और एक उससे एक साल पहले देखिए। मान लीजिए आज अपन मान लीजिए मई में खड़े हैं, ठीक है, मई 21 में खड़े हैं, ठीक है। तो अभी जो चल रहा है वो है 21-22, इससे पहले जो ख़त्म हुआ वो था 2021। तो आपको एक तो प्रीवियस ईयर 2021 के सारे रूल देखने चाहिए, क्योंकि आपका लेटेस्ट ईयर ये हुआ, प्रीवियस ईयर 2021 हुआ, वो आपको देखना चाहिए, और एक उससे पहले साला साल देखना चाहिए। तो जब भी आप एग्ज़ाम में जाएं तो देख के जाएं। कुछ रूल्स हालांकि ऐसे होते हैं जो चेंज नहीं होते हैं, लेकिन कुछ रूल ऐसे भी होते हैं जो हर साल फाइनेंस एक्ट के हिसाब से चेंज होते हैं। तो आपको समझदारी से काम करना है। मान लीजिए अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अभी ये रूल है, हो सकता है अगले साल कुछ रूल और हो जाए, तो लेटेस्ट रूल देख के जाइएगा एग्ज़ाम में, ठीक है सर। तो अभी के लिए रूल सी है, 10 लाख तक एग्जेम्प्ट, उसके बाद टैक्सेबल। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस का क्या होता है। ऑप्शंस हैं, ट्रांसपोर्ट अलाउंस हमेशा टैक्सेबल होता है, एग्जेम्प्ट टू हैंडीकैप्ड एम्प्लॉयज अप टू 3200 महीना, टैक्सेबल एक्सेप्ट टू हैंडीकैप्ड एम्प्लॉयज, बोथ बी एंड सी। सर इसका आंसर डी सही है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस के रूल्स भी चेंज हुए हैं। आजकल ये रूल है कि जो हैंडीकैप एम्प्लॉई हैं उनके लिए 3200 तक का एग्जेम्पशन है और बाकी के लिए कोई एग्जेम्पशन नहीं है। तो ये रूल है, इसलिए आपका डी बिल्कुल सही है। इन्होंने नीचे हालांकि बताया है कि विद इफेक्ट फ्रॉम फिनेंशियल ईयर 1920 अ स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 50,000 इन लियू ऑफ ट्रैवल एंड मेडिकल अलाउंस हैज़ बीन प्रपोज्ड फॉर सैलरीड एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स। ये कहते हैं कि आजकल स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, तो आपको जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस में पहले 1600 रुपये का डिडक्शन मिलता था वो अब बंद हो गया है। तो अभी के लिए आप लेटेस्ट रूल याद रखिए, हैंडीकैप्ड एम्प्लॉई 3200 रुपये पर मंथ एग्जेम्प्ट, नॉर्मल एम्प्लॉई नो एग्जेम्पशन। चलिए, रेंट फ्री अकोमोडेशन गिवन टू एन एम्प्लॉई बाय द एम्प्लॉय इज अ। ऑप्शंस हैं, इज अ अलाउंस, इज अ परक्विजिट, इज अ प्रॉफिट इन लियू ऑफ सैलरी, नन ऑफ द अबव। देखिए, अगर कोई बॉस है एम्प्लॉयर, ठीक है, और एक काम करने वाला है बंदा एम्प्लॉई, तो अगर एम्प्लॉयर इसे रहने के लिए मकान देता है तो ये क्या है, मकान की सुविधा। रेंट फ्री अकोमोडेशन इज अ फैसिलिटी, फैसिलिटी को टेक्निकली बोलते हैं परक्विजिट्स, परक्विजिट्स, और शॉर्ट फॉर्म में इसको पर्क्स बोला जाता है, ठीक है। तो अगर मुझे कंपनी कैश में पैसा देती तो उसे अलाउंस कहते, लेकिन कंपनी अगर मुझे रहने के लिए मकान की फैसिलिटी देती है तो वो परक्विजिट है, वो फैसिलिटी है। इसका आंसर बी है सर। चलिए, आज रिलेटिवली आसान क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सामने।
अगला क्वेश्चन है, मिस्टर पी इज एंटाइटल्ड टू अ बेसिक सैलरी ऑफ 50,000 पर मंथ एंड अ डीए ऑफ 10,000 पर मंथ, 40% ऑफ विच फॉर्म्स द पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। ही इज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू एचआरए ऑफ 20,000 पर मंथ। ही एक्चुअली लिव्स विद हिज पेरेंट इन मुंबई एंड डज नॉट पे एनी रेंट। मार्केट रेंट ऑफ दैट हाउस इज 20,000 पर मंथ इन मुंबई। कैलकुलेट द एग्जेम्प्टेड एचआरए। ओके, देखिए क्वेश्चन है एच आर ए से रिलेटेड। एच आर ए एग्जेम्प्ट हो सकता है, इसमें तीन कंडीशंस होती हैं एच आर ए एग्जेम्प्ट हो सकता है इसमें। एक तो होता है रिसीव्ड फिगर, एक होता है सर रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। आपने पूरी स्टोरी सुनी, उसमें आपने ये भी सुना कि ये अपने माता पिता के साथ बम्बई में रहता है और रेंट नहीं चुकाता है, तो चूंकि ये रेंट पे नहीं करता है इसलिए इसे एच आर ए का एग्जेम्पशन भी नहीं मिलेगा। आप क्वेश्चन देने का मकसद क्या है कि ऑन द आपको टाइम हाथों हाथ क्लिक करता है क्या? हो सकता है अभी तक आपने सोचना शुरू कर दिया हो कि मुंबई में 50% ऑफ सैलरी वाला रूल लगेगा, इसकी डीए का 40% लेंगे। लेकिन एक बुनियादी बात यह है कि एच आर ए एग्जेम्पशन उसको मिलता है जो रेंट पे करता है। चूंकि ये रेंट पे नहीं करता है, इसके अपने मम्मी पापा के मकान में रहता है, तो इसे एच आर ए का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। यानी इसका पूरे का पूरा एच आर ए टैक्सेबल हो जाएगा, पूरी राशि पे टैक्स लगेगा, इसके लिए एग्जेम्पशन निल है। ऑप्शन देख लेते हैं और इसका आंसर सर ए हो जाएगा, निल, नो एग्जेम्पशन। ठीक है सर, चलिए अगला क्वेश्चन है। हाउस प्रॉपर्टी मीन्स, हाउस प्रॉपर्टी मीन्स रेजिडेंशियल हाउसेस, शॉप और गोडाउन, सिनेमा और होटल बिल्डिंग, ऑल ऑफ द अबव। देखिए सर, मैं कन्फेस करूँगा कि जब मैंने कभी हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर पढ़ा था तो मुझे लगता था कि जब अपन मकान किराए पे देते हैं, जब हम किसी को अपना मकान किराए पे देते हैं तो एचपी वाला चैप्टर लगता है। लेकिन ये बात पूरी सच नहीं है। अगर आप मकान छोड़ो, कोई दुकान, कोई गोदाम, कोई बिल्डिंग, किसी को भी कोई मॉल किराए पे दोगे तो उसमें आपका हाउस प्रॉपर्टी वाला चैप्टर ही चलेगा। तो मकान शब्द की जगह आप इसमें बिल्डिंग शब्द याद कीजिए कि किसी भी तरह की बिल्डिंग को जब किराए पे दिया जाता है तो आपका हाउस प्रॉपर्टी वाला चैप्टर एक्टिवेट हो जाता है, किसी भी तरह की बिल्डिंग। तो इसमें ए बी सी सारे के सारे सही हैं, डी आंसर आएगा। चलिए सर अगला क्वेश्चन है, PC Limited is owner of the house property which is let out on the rent 60,000 per month. PC Limited had paid municipal taxes of 80,000 per annum. It took a loan from bank in Australia for purchasing this house. It has paid interest to the bank of rupees 1,20,000 per annum. Calculate the house property income if PC Limited has not done TDS on such interest and neither has Australian bank paid tax on this. ठीक है, हमें समझ में आता है कि एक कंपनी है, उसका नाम है PC Limited, उस वो मकान से किराया कमाती है 60,000 रुपया महीना इंटू 12, तो हम जो पार्टी से कमा रहे हैं दैट इज 7,20,000 रुपया। हम पार्टी से 7,20,000 कमा रहे हैं, इसमें से जो हम म्यूनसिपल टैक्स पे कर रहे हैं वो लेस हो जाएगा, तो ये हमारी हो गई नेट एनुअल वैल्यू। इसमें अपने को 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, जो सेक्शन 24A में मिलता है वो 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। इंटरेस्ट का डिडक्शन हमें नहीं मिलेगा क्योंकि हमने TDS नहीं काटा है, हमने गलती करी। हमने जब नॉन रेजिडेंट अंग्रेज कंपनी या अंग्रेज आदमी नॉन रेजिडेंट पर्सन को जब हमने पेमेंट किया तो हमने TDS नहीं काटा, ना हमने TDS काटा ना उन्होंने, उस बैंक ने TDS जमा कराया। यहाँ हमसे गलती हुई है इसलिए हमें इंटरेस्ट लेस करने को नहीं मिलेगा। इस क्वेश्चन में आप इनकम कैलकुलेट करने के बाद केवल 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम करना, उतना लेस हो जाएगा आपका, और बाकी फिर 448,000 आपका इनकम आ जाएगा। क्योंकि मैंने 30% निकाल लिया, इसका 192 हो रहा है, 192 लेस कर दो, पीछे आपका 448 आ जाएगा। इंटरेस्ट आपको लेस करने को नहीं मिलेगा। सबक आपके लिए ये है कि अगर किसी अनिवासी को, अगर नॉन रेजिडेंट को
पेमेंट किया जाता है इंटरेस्ट का, तो TDS काट लेना चाहिए या हमने नहीं काटा तो उसने जमा करा देना चाहिए। ठीक है सर, चलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है सर, आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। मिस्टर राम ओन्स अ हाउस प्रॉपर्टी, ही लेंट इट टू लक्ष्मण 15,000 पर महीना। लक्ष्मण सबलेट इट टू मिस्टर मारुति ऑन द मंथली रेंट ऑफ 20,000 रुपया। रेंटल इनकम ऑफ लक्ष्मण इज टैक्सेबल अंडर द हेड। अगर आप इसमें कहानी देखें तो काफ़ी रामायण चल रही है, एक होता है राम, एक होता है लक्ष्मण, एक होता है मारुति। राम ने लक्ष्मण से कमाया है वो इनकम HP हेड में जाएगा, राम लक्ष्मण से जो किराया कमाएगा वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाएगा, सिंस राम इज़ द ओनर। अब लक्ष्मण जो मारुति से किराया कमाएगा, दोनों का डिफरेंस देखें तो ही इज़ अर्निंग 5,000, क्योंकि 15,000 वो देता है 20 वो लेता है, ही इज़ अर्निंग 5,000। दिस इज़ नोन रेंट फ्रॉम सबलेट, सॉरी रेंट फ्रॉम सबलेट एंड इट विल ग्रो टू अदर सोर्सेज। तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगी। क्वेश्चन में ये पूछा था कि लक्ष्मण की इनकम कहाँ जाएगी। देखिए इंग्लिश में तो मैं क्वेश्चन पढ़ ही रहा हूँ, जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं वो फटाफट हिंदी में पढ़ लें, बट फिर भी मैं एडवाइज़ करूँगा कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को भी भले एक्स्ट्रा टाइम लगे उन्हें इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। ठीक है, इवन मैं यहाँ पर जो कुछ कहें इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं वो लोग भी क्या कर रहे होंगे, गलती अपनी कन्वीनियंस के लिए हिंदी में पढ़ रहे होंगे, तो उनको तो पढ़ना ही नहीं चाहिए, इंग्लिश वालों को तो इंग्लिश में ही पढ़ना चाहिए। ठीक है, और हिंदी वालों को मैं कहूँगा दोनों में पढ़ना चाहिए कायदे से। ठीक है सर, ओके। तो सर इस क्वेश्चन में जो लक्ष्मण ने पैसा कमाया है वो अदर सोर्स हेडिंग में जाएगा, ऑप्शंस आपके सामने आ रहे हैं और इसका बी ऑप्शन सही होगा। बाय द वे राम के लिए क्वेश्चन पूछता, राम के लिए पूछता तो HP लगता, पर लक्ष्मण के लिए पूछा गया है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स लगेगा। अगला क्वेश्चन है इलीगल इनकम्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, आयकर अधिनियम के तहत अवैध आय का क्या होगा। अवैध आय टैक्सेबल है कि एग्जेम्प्ट है, सर टैक्सेबल है। आपने मान लीजिए ईमानदारी से पैसा कमाया तो भी टैक्स लगेगा, और आपने बेईमानी करके, स्मगलिंग करके, उल्टे पुल्टे काम करके पैसा कमाया वो भी टैक्सेबल है। गलत काम करने के लिए आपके ऊपर IPC की जो भी धाराएं होती हैं, इंडियन पीनल कोड की जो धाराएं होती हैं, वो तो लगेंगी सो लगेंगी, पर इनकम टैक्स का सेपरेट एक्ट है और वो कहता है कि अगर आपने कमाया है तो आप टैक्स भरो। तो ऑलवेज रिमेंबर इलीगल इनकम भी टैक्सेबल होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन आ रहा है व्हाइल कैलकुलेटिंग WDV फॉर डेप्रिसिएशन डैश डैश शैल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ओपनिंग WDV इन केस ऑफ सेल ऑफ असेट्स। ओके, इसे आप यूँ समझिए कि आपके पास मान लो 6,00,000 की असेट है, बहुत सारे प्लांट आपके पास हैं, और मान लेते एक प्लांट ऐसा है जिसकी कॉस्ट है 2,00,000, जिसकी WDV है 1,50,000 और जिसकी सेल वैल्यू है 1,00,000। ध्यान से सुनिएगा, एक प्लांट आपके पास ऐसा है जिसकी कॉस्ट वैल्यू है 2,00,000, जिसकी WDV है 1,50,000 और जिसकी सेलिंग वैल्यू है 1,00,000, और आपने इसे सेल कर दिया। तो आप कौन सी वैल्यू को लेस करोगे, तो सर आपको ये वाली वैल्यू लेस करनी है, सेलिंग वैल्यू। ऑलवेज रिमेंबर जब आप डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करते समय जो ओपनिंग WDV है उसमें से जो सेल करने का जो सेलिंग प्राइस है आपको वो हटाना है। इतना क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि अकाउंट्स की दुनिया में आप हटाते तो शायद आप 1.5 लाख हटाते, अकाउंट्स की दुनिया में आपको 1.5 लाख हटाना पड़ता, पर इनकम टैक्स की कैलकुलेशन में जहाँ डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करते हैं, जहाँ पे ब्लॉक कॉन्सेप्ट होता है, आपको सेलिंग प्राइस ऑफ सोल्ड असेट्स लेस करना है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट, आसान बट इम्पॉर्टेंट बात है, जो एक पता होनी चाहिए एक टैक्स प्रैक्टिशनर को, एक टीचर को पता होनी चाहिए। तो आपको सर सेल वैल्यू ऑफ द सोल्ड असेट्स हटानी है, बाकी ऑप्शंस आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्जेबल ऑन द टेम्प्रेरी वुडन स्ट्रक्चर इन द नेचर ऑफ बिल्डिंग इज। सर इसकी रेट है 40%। ऑप्शंस देखिएगा, मैंने पहले भी कहा कि वीडियोस में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो मैंने ये मान के बनाए हैं कि आपकी पढ़ाई हो चुकी है थोड़ी बहुत, और अब आप अपनी तैयारी को चेक कर रहे हो कि हाउ एक्यूरेट इज़
या हाउ ओके इट इज़, तो उस बेस पे चेक कर रहा हूँ। बाद में मैं अलग अलग वीडियोस, टॉपिक वाइज वीडियोस भी बनाऊँगा, शॉर्ट वीडियोस भी बनाऊँगा हर टॉपिक पे, उन्हें भी आप देख लीजिएगा। बट तब तक के लिए, जब आप अभी आप डायरेक्ट अपनी तैयारी देख रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपने देखा, आपको तुरंत याद आना चाहिए कि वुडन स्ट्रक्चर जो टेम्परेरी नेचर का होता है, उसकी डेप्रिसिएशन रेट 40% है। आज से 2 साल पहले तक इसकी रेट 100% होती थी। तो इसीलिए आपको बहुत ध्यान रखना है, और इसीलिए मैं बार बार लेटेस्ट रूल देख के जाने के लिए कह रहा हूँ। अभी के लिए आपका सी आंसर रहेगा। हिंट नीचे लिखा है, प्योरली टेम्परेरी रिएक्शन सच एज द वुडन स्ट्रक्चर आर एलिजिबल फॉर 40% डेप्रिसिएशन। चलिए थोड़े से क्वेश्चन और हैं। इफ एनी अमाउंट इज डोनेटेड एंड क्लेम्ड एज अलाउेबल एक्सपेंसेस फॉर रिसर्च अंडर द PGBP हेड, सच रिसर्च कैन बी द नेचर ऑफ। देखिए, अगर आप डोनेशन देते हैं, अगर आपका बिजनेस है और आप साइंटिफिक रिसर्च के लिए डोनेशन देते हैं, तो आपको डिडक्शन मिलेगी। पहले वेटेड डिडक्शन में मिलता था। वेटेड डिडक्शन का मतलब है 100 रुपये का डोनेशन दो, 150 का बेनिफिट, 175 का बेनिफिट, कुछ मामलों में 125 का बेनिफिट भी मिलता था। आजकल 100% बेनिफिट यानी पूरा बेनिफिट मिलता है। क्वेश्चन वैसे ये था कि वो जो डोनेशन है उसका नेचर होना चाहिए साइंटिफिक रिसर्च, सोशल साइंस रिसर्च, सॉरी स्टैटिस्टिकल रिसर्च, या सारे सभी किसी भी तरह का रिसर्च हो सकता है। आप अपने बिजनेस से रिलेटेड साइंटिफिक, नॉन साइंटिफिक, सोशल साइंस, स्टैटिस्टिकल, किसी भी तरह के रिसर्च के लिए डोनेशन देते हैं, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो चाहे नहीं हो, आपको 100% डिडक्शन मिलेगा। ठीक है सर। फ्रॉम प्रीवियस ईयर 2021 ऑनवर्ड्स ऑल आर इन 100% कैटेगरी। ठीक है, इस प्रीवियस ईयर से ये वाले रूल है। ठीक है। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट अंडर सेक्शन 35CCC इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन। वेल, इसमें भी कभी 150% डिडक्शन होता था, आजकल इसमें भी 100% डिडक्शन होता है सर। तो ऑप्शंस के साथ इसमें इसका आंसर इन्होंने गलत प्रिंट कर दिया है। डी आंसर इसका होगा, डी 100%। चलिए, कहता है असेसमेंट ईयर 2021, पहले इसका रूल होता था 150%, और अब असेसमेंट ईयर 21-22 से होता है 100%। तो आप जिस एग्ज़ाम के लिए, हो सकता है क्वेश्चन में यहाँ पे प्रीवियस ईयर गिवन हो, तो अकॉर्डिंग दैट बिहेव कीजिएगा। ठीक है, चलिए सर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और लोन रिसीव्ड बाय अ पार्टनर फ्रॉम अ फर्म इज, मान लीजिए एक फर्म है ABC, और उसमें ए को इंटरेस्ट मिला उसकी कैपिटल पे या लोन पे, तो उसका क्या होगा? तो सर वो बिल्कुल टैक्सेबल होगा, ए की इनकम में जाएगा। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि जितना जितना फर्म एक्सपेंस शो करेगी, उतना ही ये इनकम शो करेगा। मतलब अगर फर्म ने 12% को एज अ एक्सपेंस शो किया है, तो ए के अकाउंट में 12% एज अ इनकम जाएगा। अगर फर्म ने 10% एज अ एक्सपेंस शो किया है, तो ए की पर्सनल इनकम में वो 10% जाएगा। तो ये कंडीशन है सर। ऑप्शन देख लीजिए, ये पहला ऑप्शन कहता है तो पूरा एग्जेम्प्ट होगा, दूसरा कहता है ये PGBP में टैक्सेबल होगा, लेकिन जिस राशि की अनुमति नहीं है तो ये उल्टा लिखा हुआ है। सी ऑप्शन कहता है कि PGBP के तहत टैक्सेबल होगा, जिस हद तक ये फर्म के लिए एलिजिबल है। सर इसका आंसर सी है। मैं पूरी बात दोहरा देता हूँ, एक पार्टनर को जो इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन लोन, वो उस पार्टनर के लिए इनकम है, वो इनकम PGBP में जाएगा। इनकम उतना ही माना जाएगा जितना फर्म ने एक्सपेंस शो किया है सेक्शन 40B के तहत। ठीक है सर। चलिए, वेल, इफ एनी एडवांस मनी रिसीव्ड बाय द असेसी अंडर द अग्रीमेंट ऑफ ट्रांसफर विच कुड नॉट बी मैच्योर्ड इज फॉरफिटेड बिफोर 1st April 2014, देन सच मनी शेल। ओके, कहानी समझ लीजिए कि मान लीजिए मेरे पास एक बिल्डिंग है, मान लेते हैं 5 लाख की, और मैंने उसका सौदा किया। ठीक है,
सौदा किया, उसको सेल करने का अग्रीमेंट किया और मुझे 1 लाख रुपए एडवांस मिला, 1 लाख रुपए एडवांस मिला। बाद में पार्टी फेल हो गई, वो सौदा पूरा कर नहीं पाई और मैंने 1 लाख रुपया जब्त कर लिया। तो हमने जो एडवांस मनी जब्त किया है उसे हम अपनी कॉस्ट में से रिड्यूस करेंगे। ये रूल पुराना रूल है। अगर हमने कोई भी अमाउंट 1 अप्रैल 2014 से पहले फॉरफिट किया है तो उस ज़माने में ये होता था कि जो फॉरफिटेड अमाउंट है उतने अमाउंट से अपनी कॉस्ट को हम रिड्यूस कर देते थे। तो इस बिल्डिंग की कॉस्ट को मैं 5 लाख नहीं बताऊंगा, इस बिल्डिंग की कॉस्ट को मैं सबको 4 लाख बताऊंगा। उसके बाद इंडेक्सेशन होगा, उसके बाद इंडेक्सेशन होगा। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन कहता है, ए ऑप्शन कहता है कि ये जो अमाउंट आपने फॉरफिट किया है वो अदर सोर्स में जाएगा। दूसरा ऑप्शन कहता है कि ये आपकी कॉस्ट में से लेस होगा इंडेक्सेशन के बाद, तो ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है। सी ऑप्शन में लिखा हुआ है कि ये कॉस्ट में से लेस होगा इंडेक्सेशन से पहले, तो बिल्कुल सही है। तो मैं फिर दोहरा देता हूँ, जो अमाउंट आपने फॉरफिट किया है उसे आप अपनी कॉस्ट में से लेस करेंगे, उसके बाद इंडेक्सेशन प्रोसीजर होगा, ठीक है। चौथे पॉइंट में लिखा है, चौथा ऑप्शन है कि इसको, इस एडवांस मनी फॉरफिटेड को इग्नोर किया जाएगा। तो सर इग्नोर तो नहीं करेंगे, इसे काम में तो लेंगे सर। अब सर अगला क्वेश्चन है, आपको लगेगा मिलता जुलता है और रिपीट हो गया है, लेकिन इसमें जो अमाउंट है वो अप्रैल 2014 के बाद जब्त हुआ है, तो ये रीसेंट रूल है। आजकल रूल ये है कि जो अमाउंट आप फॉरफिट करते हो, हिंदी में अपन इसे साई कहते हैं, साई की राशि, साई, या इसे अपन एडवांस मनी कह लो, है ना, एडवांस मनी। एडवांस मनी अगर हम जब्त कर लेते हैं, फॉरफिट कर लेते हैं, तो इसे इनकम माना जाएगा, इनकम ऑफ अदर सोर्स। तो भले चारों ही ऑप्शन वो आ जाए, चारों ही ऑप्शन वो आ जाए, अब इसका आंसर आपका ए होगा। तो आपको हमेशा ये देखना है कि आपने अमाउंट फॉरफिट कब किया, अप्रैल 14 से पहले या अप्रैल 14 के बाद, ठीक है सर। लास्ट क्वेश्चन आ रही है, ठीक है। ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस कैन बी कैरी फॉरवर्ड इफ, वेल, अब आप इसको समझिएगा, दो कहानी है। मान लीजिए यहाँ पे कोई लॉस हुआ, तो अगर मुझे इसे कैरी फॉरवर्ड करना है तो मुझे रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। बेसिक रूल तो ये है कि अगर आपको करंट लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना है तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अब दूसरी बात सुनिए, मान लो कोई लॉस है जो 2 साल पहले हुआ था, ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस। ये जो लॉस है ना, अगर आपको इसे कैरी फॉरवर्ड करना है तो इसे कैरी फॉरवर्ड करने के लिए रिटर्न भर दिया तो भी ठीक है, रिटर्न नहीं भरा तो भी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो रूल ये हुआ कि पुराना लॉस जो है, जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस है, उससे अगर आपको कैरी फॉरवर्ड करना है तो रिटर्न नहीं भी भरोगे तो उस पुराने मैटर को कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे, सब्जेक्ट तो यहाँ आपने उसे, यहाँ आपने टाइम पर रिटर्न फाइल कर दिया हो। ऑप्शन देख लीजिए, पहला ऑप्शन कहता है रिटर्न ऑफ लॉस इज फाइल्ड विद इन द ड्यू डेट अंडर सेक्शन 139(1). पहला ऑप्शन तो ये कह रहा है कि आप इस पुराने लॉस को कैरी फॉरवर्ड तभी कर सकते हो जब आपने रिटर्न टाइम पे फाइल किया हो, मैं कहता हूँ नहीं। दूसरा ऑप्शन कहता है कि रिटर्न ऑफ लॉस आपने उस ईयर फाइल कर दिया हो जिस ईयर का ये लॉस है, भले ही इस साल लॉस का रिटर्न फाइल ना हुआ हो। बिल्कुल सही बात है, बी बिल्कुल सही है, बाकी ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं, भले आप देख लीजिए, बट बी इसका सही आंसर है, ठीक है सर। होप क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, क्वेश्चंस को अच्छे से समझिए। अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं, सिंसियर स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कीजिए, खूब पढ़ाई कीजिए अलग अलग बुक से, और ऐसा नहीं केवल इनकम टैक्स पढ़िए। अगर आपका जो भी कॉस्टिंग, FM, ऑडिट, जो भी पार्ट है, मुझे जैसे जैसे समय मिलेगा मैं बाकी सब्जेक्ट्स के भी क्वेश्चन बैंक लगाऊंगा, तो आप उन्हें देख सकते हैं अच्छे से। एक बार सिंसियर पढ़ाई कीजिए, अच्छी नॉलेज कमाइए, एक बार कुछ बन जाइए, फिर तो ठीक है, लाइफ में ऐश ही ऐश है। ओके।